invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to address under Clause 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan to both the Houses of the Parliament assembled together. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, मोअज़्ज़ज़ अराकीन पार्लिमान, मेहमानान गिरामी, ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मैं तीसरे पार्लिमानी साल की तकमील और चौथे साल के आगाज पर तमाम मुअज्ज़ज़ अराकीन पार्लिमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुजूर दुआगो हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी अकदार और एक दूसरे की बर्दाश्त की रिवायात फरोग पाए। ख्वातीन हज़रात, मेरी आज की ये गुफ्तगू पाकिस्तान के हाल और मुस्तकबिल के हवाले से है, क्योंकि मेरा मुल्क एक नई और मस्बत सिमत की जानिब गामजन है। गुज़िश्ता तीन सालों में हमारे मुल्क और कौम में बहुत सी मस्बत तब्दीलियाँ आई हैं और मेरी आज की ये तकरीर इन तब्दीलियों और कामयाबियों का अहाता करने की कोशिश होगी। मैं इंशाअल्लाह इस बात का भी जिक्र करूँगा कि हम पिछली दहाइयों में तरबियत की किन मराहिल से गुजरे और इसके नतीजे में हमने कौन कौन सी ताकतें और सलाहियतें हमारे अंदर पैदा हुई, जिनकी बदौलत हम इंशाअल्लाह एक चमकते दमकते और उभरते हुए पाकिस्तान की मंजिल को पालेंगे। मौजूद हाजरीन, सबसे पहले मईशत पर गुफ्तगू हो जाए, और आप जानते हैं कि कोरोना के मनफी असरात की सबब दुनिया की तमाम मईशतें सुकड़ने लगी, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से और हुकूमत की अच्छी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी दीगर मुबालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर रही और पाकिस्तानी मईशत की शरह नमू 3.94% रही। मैं ज्यादा तफसील में जाने से गुरेज करूंगा, क्योंकि पिछले दिनों बजट सेशन के दौरान हुकूमत ने खास तौर पर और वजीर आजम इमरान खान ने माशी कामयाबियों पर तफसीली रोशनी डाली है, मगर मैं चीदा चीदा कामयाबियों का जो जिक्र करना जरूरी समझता हूं यहां पर, इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। माली साल 2021 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात गुज़िश्ता साल से जो 23.7 अरब से बढ़कर इस साल 25.3 अरब डॉलर तक पहुंच गई। तरसीलात जर 19.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए, जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 6 अरब डॉलर ज्यादा है। और इस साल के शुरू के दो महीनों में मजीद 10% इसमें इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और एशिया की बेहतरीन और दुनिया की चौथी बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज हासिल किया। मई 2021 में एक सेशन में रिकॉर्ड तोड़ 2.21 अरब के हसिस की खरीद और फरोख्त हो गई। हुकूमत की इकदामात की बदौलत दो साल कबल आलमी बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 28 दर्जे बेहतरी का ऐलान किया था, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस साल ओवरसीज चैंबर ऑफ इन्वेस्टर्स
एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के मुताबिक समंदर पार सरमायाकारों का पाकिस्तानी मईशत और हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद यानी बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स तकरीबन 60% बढ़ा है। एफबीआर ने साल 2021 में टैक्स वसूलियों की मदद में 4732 अरब रुपए इकट्ठे किए जो कि पिछले साल की निस्बत से तकरीबन 18% ज्यादा हैं। इसी तरह मौजूदा माली साल के 2 महीनों में हदफ से 160 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा किए गए हैं। अब जरा सुने, अवाम की इतनी बड़ी तादाद में टैक्स जमा कराना और तरसीलात तेजर भेजना हुकूमती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद की अक्कासी करता है। मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को कि एफएटीएफ के मैदान में बड़ी तनदही से काम करके सारे एतराजात के हल के लिए कानून और प्रोसीजर बना लिए गए और लागू भी कर दिए गए। अवाम और बिलखसूर कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को हुकूमत ने एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया। मकान और छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज किया। जो चलेगी वो ये कि इस हुकूमत के तामीराती शोबे को 36 अरब की सब्सिडी देने के अलावा इस हुकूमत ने मुख्तलिफ टैक्सों की मद से अवाम को अपने मकान की तामीर के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी की है। सब्र करेंगे, सुनेंगे, अवाम को बात समझ आ गई है, यहाँ भी लोगों को समझ आनी चाहिए। नतीजतन पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पोर्टफोलियो 260 अरब रुपए की हद उबूर कर चुका। हुकूमत के ऐलान करदा तामीराती पैकेज में अब तक 447 अरब की मालियत के 1252 मंसूबों की रजिस्ट्रेशन हुई है। हुकूमत के इन इकदाम की बदौलत न सिर्फ माशी सरगर्मियों में तेजी आई है बल्कि 70 के करीब डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज जैसा कि स्टील, सीमेंट, रंग और रोगन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इसमें लोगों के रोजगार के मौके भी शामिल हुए हैं। तामीराती शोबे में तारीखी तरक्की का सेहरा वजीर आजम पाकिस्तान के सर जाता है कि जिन्होंने अवाम के एहसास पर वमदी पॉलिसी बनाई जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने भी हमें माशी कामयाबी से नवाजा। ज़राअत के शोबे में 2.77% की तरक्की हुई है और उसमें मजीद मेहनत की जरूरत है। हुकूमत के आईटी शोबे पर खुसूसी तवज्जे की वजह से आईटी बरामदात 2.12 अरब डॉलर तक पहुंच गई और गुज़िश्ता साल की निस्बत में इन बरामदात में 47% का इजाफा हुआ है। रजिस्टर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में नौजवानों को तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए भी अमली इकदाम किए जा रहे हैं। इनमें वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत नौजवानों की ऑनलाइन तरबियत का प्रोग्राम डिजी स्किल्स काबिले जिक्र है। यह अमर काबिले तहसीन है कि अब तक 17 लाख नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए तरबियत दी जा चुकी है। कोई छोटा नंबर नहीं है, 17 लाख नौजवानों को, जिसमें अक्सरियत 18 साल से 29 साल की उम्र के नौजवान हैं। पाकिस्तान की फ्रीलांसर्स ने अब तक 20 करोड़ रुपए का डॉलर का जरे मुबादला कमाया है। हुकूमत को इस बात का इदराक है
कि दुनिया इस वक्त चौथे सनती इनकलाब से गुजर रही है जो शोर शराबे से रोका नहीं जा सकता, और ये इनकलाब सिर्फ मादी तरक्की का इनकलाब नहीं बल्कि एक फिक्री और जहनी इनकलाब है। माजी में अक्वाम ने कारखानों और इंडस्ट्रीज की मदद से तरक्की की है, ये तरक्की जिसे हम ईंट और गारे की तरक्की भी कहते हैं जरूरी है मगर ये वक्त लेती है। इसके मुकाबले पर जदीद टेक्नोलॉजी أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح रहमान रहीम। कुछ बातें सुन लेंगे तो समझ में भी आ जाएंगी, दिल और दिमाग में उतर जाएंगी, अकल में आ जाएंगी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा था और आईटी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्किंग और डेटा एनालिसिस, और ये ऐसी दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की मदद से तेज रफ्तार तरक्की का इम्कान है। और मैं साइबर सिक्योरिटी पर भी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि ज़हानत के एतबार से पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में किसी कौम से पीछे नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़े मुसावात के साथ जहन सबके लिए सब में बांटा है, और मैं समझता ही हूँ कि हमारा नौजवान अपनी जहनी इस्तेदाद को बरूए कार लाकर असर हाजिर की साइबर डिफेंस और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर एहसन तरीके से काबू पाने में मदद करेगा। ख्वातीन हजरात, मुअज्ज़ज़ पार्लियामान, ये तो थे चंद मईशत के इशारिये, मगर इसी तरह हुकूमत का इंसानी वसाइल की तरक्की को अव्वलीन तरजीह देना और इंसानी हमदर्दी पर मबनी पॉलिसियों को अपनाना दूसरी बड़ी तब्दीली है और कामयाबी है। बदकिस्मती से माजी में ह्यूमन डेवलपमेंट के शोबों को नज़रअंदाज किया गया और हमने अपनी तवज्जो सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर डेवलपमेंट पर ही मरकूज की। करप्शन के नासूर और माजी की गलत तरजीहात की वजह से हम न सिर्फ तरक्की से महरूम रहे बल्कि इंसानी समाजी तरक्की के तमाम इशारियों यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की में भी दुनिया से पीछे रह गए। टैलेंट की कदर नहीं की, मेरिट की परवाह नहीं की, नतीजा ये हुआ कि गवर्नेंस कमजोर हुआ और ब्रेन ड्रेन का भी सामना करना पड़ा। जैसा कि आपको इल्म है
कि कौमी सलामती का तसव्वुर अब सिर्फ सरहदों और फौजी मामलात तक महदूद नहीं है, बल्कि माहौल, खुराक, तालीम, छत और सेहत के शोबे इंसानी सलामती के जामे तसव्वुर के तहत मरकजी हैसियत रखते हैं। हमें इस बात का मुकम्मल इदराक है कि एक नए अजीमुशान पाकिस्तान का क्याम एक तालीम याफ्ता, सेहतमंद और जिम्मेदार कौम के जरिए ही मुमकिन है। हुनरमंद और जहीन अफराद अक़वाम की तरक्की के लिए सबसे बड़ा पिलर हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सुन लो, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कहीं बात मजबूत होगी, कहीं मनफी होगी, मगर हर फर्द जिम्मेदार है। लिहाजा हुकूमत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर माशरे के कमजोर और नादार अफराद की फलाह व बहबूद के लिए एहसास प्रोग्राम जैसे पावर्टी एलिविएशन, समाजी तहफ़ुज़ के मिसाली मंसूबों का क़याम अमल में लाई है। ज़हनी व जिस्मानी कमजोरी के खात्मे के लिए एहसास नशोनुमा, वसीले तालीम, एहसास कफालत, एहसास स्कॉलरशिप, एहसास इमरजेंसी कैश, एहसास आमदन, एहसास लंगर खाने और एहसास कोई भूखा ना सोए के प्रोग्रामों की मदद से मुस्तहिक और गरीब अफराद की माशी और समाजी तहफ्फुज़ पर काम कर रही है। लूटमार से हटाकर इंसानों पर फोकस किया गया है, बड़ी अहम बात है। हुकूमत ने इस साल तकरीबन 208 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 1,20,00,000 खानदानों को कैश आमदनी दी जाएगी, जिससे मुल्क के 30% आबादी मुस्तफीज हो सकेगी। इन तमाम मंसूबों में न सिर्फ खवातीन बल्कि खुसूसी अफराद की ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा गया है और इनके लिए ऐसे इकदाम किए गए हैं। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इस माली साल में 70,00,000 खवातीन को माहाना 2,000 रुपए दिए जाएंगे। और 20,00,000 खुसूसी अफराद को माहाना 2,000 रुपए देने की मंजूरी भी दी गई है। स्टेट बैंक की जानिब से खवातीन और खुसूसी अफराद की माली शमूलियत यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कर्ज की स्कीम मुतारिफ कराई गई। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्ज की स्कीमें तो मौजूद हैं, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ज़रा सा सोचने की बात है। कर्ज की स्कीमें तो मौजूद हैं, मगर मुनासिब आगही ना होने की वजह से, जहालत की वजह से कर्ज लेने वालों की तादाद बहुत कम है। एक और बेहतरीन कामयाब जवान प्रोग्राम है, जिसके लिए इस साल तकरीबन 100 अरब रुपए की रकम रखी गई है। इसके लिए कि मुल्क के नौजवानों को आसान शराइत पर अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज दिए जाएं। अब तक 15 अरब रुपए से जायद की रकम तकरीबन 14,000 कारोबार शुरू करने में इस्तेमाल हो चुके हैं। हुकूमत ने नौजवानों की कैपेसिटी बिल्डिंग के इजाफा और इन्हें बाहर बाहुनर बनाने के लिए हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। और अब मुल्क भर में 720 इदारों में 1,70,000 नौजवानों को स्किल्स दी जा रही हैं और हुनरमंद बनाया जा रहा है। जरा सा इजाजत दें। मौजूद हाजरीन, इसी तरह हुकूमत अवाम के
सेहत के मुफ्त इलाज के लिए भी प्रोग्राम सरगर्म अमल है। सेहत सहूलत प्रोग्राम और सेहत कार्ड के तहत पाकिस्तान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रहा है। अब तक 1,80,00,000 खानदान, जो कि तकरीबन 8,10,00,000 अफराद बनते हैं, इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं। आपका ताल्लुक चाहे खैबर पख्तूनख्वा से हो, पंजाब या बलूचिस्तान से हो, इस्लामाबाद से हो, या आज़ाद जम्मू और कश्मीर से, साबका फाटा के अजला से हो, या गिलगित बल्तिस्तान से, आप जिस्मानी कमजोरी का माजूरी का शिकार हों, या आपका ताल्लुक किसी भी अकलियत से हो, रियासत आपकी सेहत के लिए भरपूर इकदामात कर रही है। बहुत जल्द पूरी मुकम्मल आबादी को तक ये सेहत सहूलत प्रोग्राम पहुंचा दिया जाएगा। मजीद बरा हुकूमत मुल्क में टेलीमेडिसिन के फरोग के लिए भी इकदामात कर रही है, और ये मेरा एक पसंदीदा टॉपिक है। इनमें सूबों से भी दरख्वास्त करता हूं मैं कि वो टेलीमेडिसिन के तसव्वुर को अपनाने पर तवज्जो दें, जिससे गरीब आदमी या औरत, हम तो इस काबिल हैं कि किसी को फ़ोन भी कर लें पेट में दर्द हो, एक गरीब आदमी और औरत फ़ोन पर बात करके मशवरा तो ले ले, अस्पताल जाने की ज़रूरत तो ना हो उसको। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि टेलीमेडिसिन पर तवज्जो दी जाए, घर पर बहुत बोझ अस्पतालों से बच जाएगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी, जिसका मुझे ख्याल है कि इसकी पर तवज्जो देनी चाहिए, इसकी वजह से वसाइल पर बोझ बढ़ रहा है, और हमें तालीम, सेहत, खुराक, ट्रांसपोर्ट, पानी, निकासी आब और तवानाई जैसी ज़रूरियात ज़िंदगी अवाम तक पहुँचाने में मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। हमें बच्चों की पैदाइश में वक्फा लाने, कुनबा छोटा करने, कुरानी आयात के मुताबिक माँ खुद अपने बच्चे को दूध पिलाए, इन चीज़ों को आम करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों की बेहतरीन परवरिश हो सके। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पहली तकरीर में बच्चों की कमज़ोरी, स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन का जिक्र किया था, वो इसी तरह से ठीक हो सकता है। मैं इस सिलसिले में मीडिया से, उलमाए इकराम और माशरे के दीगर तबकात से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें हुकूमत की मदद करें, और हुकूमत से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इसमें फंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। तालीम का शोबा बड़ी अहमियत का हामिल है, और हुकूमत ने पाकिस्तान में यकसां तालीमी निसाब के निफाज के लिए इकदामात किए हैं। इस बेहतरीन काम का मकसद, बहुत अच्छा काम, मुल्क भर के बच्चों को मुसावी तालीम और एक मुत्तहिद कौम की तश्कील करनी है। एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तकरीबन 50,000 तुलबा को स्कॉलरशिप दिए गए, और मजीद गुज़िश्ता 2 सालों में 1,42,000 तुलबा को एहसास स्कॉलरशिप दी गई। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा पैकेज आया है। और हाल ही में हायर एजुकेशन की जानिब से मुझे 2 हफ्ते पहले ये इत्तला दी गई है कि खुसूसी अफराद के लिए, मिनिस्टर साहिबा इस पर गौर करें, खुसूसी अफराद के लिए अपनी पॉलिसी में खुसूसी तुलबा को मुल्क भर के जामियात में ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस की मद में मुकम्मल छूट देने का ऐलान किया है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की तालीम की फराहमी और इन्हें हुनरमंद बनाने का मकसद पाकिस्तान को समाजी और माशी तरक्की की राह पर गामजन करना है। एक अनपढ़ इंसान तो सिर्फ बोझ उठा सकता है, मगर अगर एक तालीम याफ्ता फर्द जो है वो अपनी रोज़ी बढ़ाता है और कौम की रोज़ी भी, इनकम को भी बढ़ा सकता है। खुसूसी अफराद और ख्वातीन के हकूक़ के तहफ़ पर भी ख़ास तवज्जो दी गई है, और इनके हकूक़ के तहफ़ के लिए ख्वातीन कवानीन बनाए गए हैं, जिसके अंदर डिसेबिलिटी एक्ट 2020, जैनब अलर्ट एक्ट 2020 और एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020, ये तीनों कवानीन हैं। हालिया दिनों में ख्वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए, जिस पर सबको अफसोस है,
और मैं समझता हूं बहसियत रियासत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदामात करना हमारा कौमी फरीजा है। हुकूमत ने जिंसी ज्यादती के केसेस से निमटने के लिए कानून साजी भी की है और इंतजामी सतह पर काम भी किया है। इन इकदामात के अलावा एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माशरे की भी जिम्मेदारी है, माशरे की जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ नज़र आए तो उसको रोके। ये वीडियोस बनाते रहना और ये कार्रवाई होते रहना ये पाकिस्तानी माशरे को जेब नहीं देता। लिहाजा मैं माशरे से अपील करता हूँ कि उसको भी ये कैफियत पर चौकीदारी करनी पड़ेगी ख्वातीन की, ताकि वो आराम से फिर सकें। हज़रत उमर का कौल है जो मुझे याद आया, हज़रत उमर का कौल है, किसी ने उनसे पूछा रज़ी अल्लाह अन्हु, किसी ने उनसे पूछा कि एक अच्छा माशरा कैसा होगा। उन्होंने कहा एक अच्छे माशरे में औरत जेवर से लेस यमन से दूर तक चली जाए और उसको कभी ये रास्ते में ये एहसास ना हो कि मैं अनसेफ हूँ। यह है रियासत मदीना का तसव्वुर जिस तरफ हमने जाना है। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अभी भी ख्वातीन को उनके विरासती हुकूक से महरूम रखा जाता है। कुरान की सूरह निसा की आयत के अंदर अल्लाह ताला ने जब दुनिया में नहीं था अल्लाह ताला ने औरतों के हुकूक के हवाले से बड़ी तफसील से फ्रैक्शंस के अंदर बता दिया कि क्या देना है। उसके बावजूद एक इस्लामी रियासत के अंदर अगर ये बात ना हो तो बड़ी अफसोसनाक है। लिहाजा हुकूमत ने ख्वातीन के मिल्कियती हुकूक के निफाज का एक्ट 2020 पास किया है और बड़ी तारीफ की बात है। कानून तो अल्लाह का मौजूद है सदियों से, मगर इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और माशरती रवायात की का मुकाबला हमको करना पड़ेगा। इस सिलसिले में उलमाए कराम और मीडिया से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों में ख्वातीन के विरासती हकूक से मुतालिक आगही पैदा करें और इसका एहतमाम करवाएं। मुअज़्ज़ज़ अराकीन पार्लियामान, अब इस बात से मैं आ जाऊं इस पर कि ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान की के ऊपर सैलाब व दीकर कुदरती आफात का के नुकसान का इम्कान है और पानी की कमी का। इन खतरात से निमटने के लिए मोहतरम इमरान खान साहब ने बर वक्त और वोटों की खातिर नहीं नस्लों की खातिर मिलियन ट्रीन सुनामी का ऐलान किया था केपी के अंदर। लोग एतराज करते रहे कि ये सही नहीं है, पूरी नहीं हुई, मगर ये कि दुनिया ने इस बात की तहकीक की बुनियाद पर बता दिया। उससे सीखते हुए मजीद हुकूमत में आने के बाद इस हुकूमत ने 10 बिलियन ट्री सुनामी और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का ऐलान किया है। तहारत जो मुसलमान का शिवा होना चाहिए, जो निस्फ ईमान है, तो क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को ग्लोबल वार्मिंग जैसी मुश्किलात से आगे ले जाएगा। ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान में जमहूरियत के फरोग के बारे में दो तीन बातें मैं कर दूं कि इंतखाबात की शफाफियत होनी चाहिए, इंतखाबी असलाहत की ज़रूरत है, मगर इस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से यहाँ शोर शराबे की महफिल चलती रहती है। ईवीएम एक अहम आलाए कार है जिससे न सिर्फ इंतखाबात में शफाफियत आएगी और नतीज का बरवक्त पता चलेगा, वोटर की राजदारी रहेगी, इस सिस्टम के अंदर पुराना बैलेट पेपर का सिस्टम भी शामिल है और एक काउंटर भी शामिल है, यानी कैलकुलेटर। 50-60 साल से हम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं और ये अफसोस की बात है कि लोग कहें जी कैलकुलेटर पर भी भरोसा नहीं हमको, एक काउंटर है सीधा साधा, वोट भी है काउंटर भी है। तो लिहाजा मैं दरख्वास्त कर रहा हूं कि इसको सियासी फुटबॉल ना बनाया जाए, मुल्क की तकदीर का ताल्लुक है इससे। हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और इन्हें सियासी अमल में शरीक करने के लिए आई वोटिंग के को मुतारिफ करने के इकदाम भी कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम सियासी जमातें इस सिलसिले में मुकम्मल तआवुन करेंगी
ताकि समंदर पार पाकिस्तानी जो हमारे असासा हैं और पाकिस्तान को खतीर ज़र मुबादला भेजते हैं अपने सियासी हकूक से महरूम ना रह जाएं। जनाब चेयरमैन, अब मैं कुछ खारजा उमूर पर गुफ्तगू करना चाहता हूं और आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि भारत कई दहाइयों से निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है और इंसानी हकूक़ के की संगीन खिलाफ वर्जियों और अकलियतियों बिलखसूस मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। वज़ीरे आज़म साहब ने खुद को कश्मीर का एम्बेसडर कहा और बड़े मुअस्सर अंदाज में भारत का असल चेहरा दुनिया की हर फोरम पर बेनकाब किया। पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि वो तमाम हमसाये ममालिक के साथ अच्छे राबते और रवाबित कायम रखे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मुझे याद है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने उसके अगले दिन उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि अगर हिंदुस्तान एक कदम अमन के लिए आगे रखेगा तो मैं दो कदम रखूंगा। मगर इसको भी भारत ने हमारी कमजोरी समझा, हर मस्बत कदम का मनफी जवाब दिया। और आप जानते हैं, आपको खुशी होगी याद करके भी, कि फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान की फजाई हदूद की जो खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जहाज गिराया। और इसी पार्लियामेंट के मशवरे से पायलट को भी वापस गया खैर सगाली के का इंदिया देने के लिए, इसको भी गलत समझा गया। तो मैं भारत पर यह बात वाजह करना चाहता हूं कि वो कश्मीर में जुल्म का बाजार बंद करे और अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर की हक खुद इरादियत को पूरा के वादे को पूरा किया जाए। मैं कश्मीर के अवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने उसूली मौकफ पर कायम है और कायम रहेगा। मैं कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकफ पर हिमायत करने पर चीन, तुर्की, ईरान, अजरबैजान और बहुत सारे दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड, भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और आरएसएस की शिद्दत पसंदाना और नस्ली इम्तियाज पर मबनी हिंदुत्व के फासिस्ट नज़रिए से इलाकाई सालमियत को भी बहुत ख़तरा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और दुनिया को पहचानना चाहिए कि भारत कई सालों से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है और तखरीबकारों का सहूलतकार भी बना हुआ है। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और मार्केट में खरीदो फरोख्त बड़ा खतरनाक काम है। ये भारतीय गैर जिम्मेदारी का सबूत है जिसकी वजह से आलमी अमन व सलामती खतरे में है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आलमी मीडिया इस पर खामोश रहा। यह कहीं और किसी मुल्क में होता तो कितना शोर मचता, और भारत में यह पहला इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे हो चुके हैं और आलमी मीडिया खामोश है। खारजा पॉलिसी के एतबार से इस्लामी दुनिया को दीगर चैलेंजेस हैं जिसमें इस्लामोफोबिया भी है और इस्लाम दुश्मनी का सामना है। इस सिलसिले में पीएम इमरान खान साहब एक बहुत बड़े चैंपियन बने हैं और इन्होंने आलमी बरादरी बिलखसूस मगरबी ममालिक को ये बात बावर कराई है कि वो इस्लाम दुश्मनी तासुब और तंग नजरी पर मबनी पॉलिसियों को तर्क करके बैनुल अक्वामी सतह पर अमन और भाईचारे की फिजा कायम करे। हमारे ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान में पिछले दिनों एक बड़ी तब्दीली आई है। इमरान खान साहब का तकरीबन 20 साल से ये मौकफ रहा है कि जंग के बजाय मुजाकरात की राह अपनाकर मसाइल का हल तलाश किया जाए। तवील जंग, खरबों डॉलर खर्च करने के बाद फिर भी वहां अमन नहीं आया और हमने अमन के लिए बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान की नई हुकूमत अफगानिस्तान की अवाम को मुत्तहिद करे, फतेह मक्का पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक
माफ़ी की पॉलिसी अपनाए और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की सरजमीन में किसी पड़ोसी मुल्क को कोई ख़तरा ना हो। इस सिलसिले में तालिबान रहनुमाओं के बयानात हौसला अफजा हैं। अब दुनिया को चाहिए कि इस वक्त अफगान अवाम को बेयार और मददगार ना छोड़ा जाए, इनकी मदद की जाए, एक इंसानी बहरान ना पैदा होने दिया जाए और अफगानिस्तान की तामीर और बहाली में अपना पूरा किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस वक्त भी मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को फराहम कर रहा है और पाकिस्तान का PIA फ्लैग कैरियर जनाब आलमी बरादरी के अफराद के इनखला में पेश भी रहा और इसको पाकिस्तान इस काम को सारी दुनिया ने सराहा भी है। दुनिया को यह भी तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। इस मौके पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुनिया को पाकिस्तान को बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासी तदब्बुर को अपना अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। कितना बड़ा मशवरा दिया गया, खरबों डॉलर खर्च करके बात समझ आई, लाखों अफराद मर गए फिर बात समझ में आई, तो कम से कम सियासी मुदब्बिर की मशवरों पर काम करें। मजीद बड़ा पाकिस्तान अपनी माशी तरक्की के लिए जियो इकोनॉमिक्स और रीजनल कनेक्टिविटी के फरोग पर खसूसी तवज्जो भी दे रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने शंघाई तआवुन तंजीम और इक्तसादी तआवुन तंजीम के साथ साथ दीगर फोरम्स पर भी इलाकाई रवाबित के फरोग की कोशिशें की हैं। पाकिस्तान इस अमर का ख्वाहां है कि पाक चीन इक्तसादी राहदारी से खित्ते की मईशतों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए और जितने फॉरेन विजिटर्स हमारे सेंट्रल एशियन रीजन से आए हैं और यह प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे डेलीगेशंस गए हैं, उन सब ने इस बात का इजहार किया और वो मुंतजर हैं इंशाल्लाह अफगानिस्तान में अमन सारे पड़ोसी ममालिक के लिए बहुत खुशायंद साबित होगा। ख्वातीन हज़रात अपने देरीना दोस्त चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को कदर की निगाह से हम देखते हैं और इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का के ख्वाहान हैं। चीन ने पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन कुछ मुल्क दुश्मन अनासर बिलखसूस हिंदुस्तान शुरू से पाक चीन इक्तसादी राहदारी को सबोताश करने के दर पे है। मैं भारत पर यह बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि वो अपने मकासद में भी कभी भी कामयाब नहीं होगा और पाक चीन दोस्ती मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएगी। मैं पाकिस्तानी हुकूमत और कौम की जानिब से तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात, ईरान और दीगर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। शुरू में बहुत जोर जोर से बोलना पड़ा तो प्यास ज्यादा लगी। अब जनाब माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से अपने पसंदीदा इख्तिताम के करीब आ रहा हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस ये है कि हर वक्त इस बात का जिक्र है कि हम ऐसे हैं और ऐसे ख़राब हैं और ये किया। पाकिस्तानी कौम की स्ट्रेंथ्स का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो पिछले 4-5 दहाइयों में हमने एक्वायर की हैं, हासिल की हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया और उसके बाद पाकिस्तान ने यह तय किया कि हम अपने आप को अपना न्यूक्लियर डिटेरेंट बनाएंगे। और आप लोगों को मुबारक हो कि 7 साल के छोटे से अरसे के अंदर अपनी ज़हानत के को इस्तेमाल करते हुए आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया, ये आपकी ज़हानत का क्रेडिट है। दूसरे मतलब ये चीज़ें याद रहनी चाहिए ताकि कौम को एहसास तो हो कि कितनी अजीम कौम बनती जा रही है। दूसरे अफगान पनाहगुज़ीन के बारे में 35 से 40 लाख महाजरीन को आपने पनाह दी,
हमदर्दी के जज्बे के तहत, और कोई जज्बा नहीं था, हमदर्दी के जज्बे के तहत। और दुनिया जो हमें ह्यूमैनिटेरियनिज्म सिखाती है और ह्यूमन राइट सिखाती है, वो 100-100 महाजरीन को उठाने के लिए तैयार नहीं है और बहरे रोम के अंदर डूबने देती है। और पाकिस्तान ने 35 और 40 लाख महाजरीन को 3-4 दहाइयों तक पनाह दी। बड़ी बात है, ये दिल की बात है, ये आपकी ताकत है। तीसरी बात जो आपने हासिल की, वो दुनिया माने ना माने, मानना पड़ेगा कि दहशतगर्दी का आपने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। कोई कौम इतनी कामयाब नहीं हुई जितने आप कामयाब हुए हैं। पाकिस्तानी फौज को खराज तहसीन, हमारे पुलिस वालों को खराज तहसीन, रेंजर्स को खराज तहसीन, कौम को खराज तहसीन कि आपने मुकाबला किया, जाने कुर्बान की मगर पाकिस्तान को बचाया। ये बड़ी ताकत है, इसको कभी कम मत समझिएगा, दुनिया में आप अनोखे हैं। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी ताकतें हैं उनका जिक्र कर रहा था, कि आपकी फराख दिली अनोखी है। चाहे जलजला हो, चाहे सैलाब हो, ट्रैफिक जैम हो जाता है कि पाकिस्तानी कौम खुद निकलती है, हुकूमत बाद में निकले, ये आपकी फराख दिली है। कभी किसी अनेक काम के लिए पैसों की कमी नहीं हुई। शौकत खानम अस्पताल इस बात की गवाही देगा, ईदी साहब मरहूम इस बात की गवाही देंगे। बड़ी फराख दिल कौम है आप। कोविड के अंदर अपनी जेब में हाथ डालकर हर फर्द ने मदद की, तो ये आपकी फराख दिली है। ये चौथी ताकत थी आपकी। फिर कोरोना में कामयाबी आपने हासिल की, और इसके 4-5 पिलर्स हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसानी हमदर्दी की बिसात बिछाई और यह कहा कि मैं गरीब को भूखा नहीं मरने दूंगा। इस बिसात के ऊपर, यह बिसात पहली चीज थी, दुनिया में कोई कहता नहीं था जब कि यह भी एक इशू है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर इंसानी हमदर्दी, टोटल लॉकडाउन नहीं करेंगे, पार्शल और स्मार्ट लॉकडाउन, और जहानत के साथ डेटा की बुनियाद पर आपने इसको मैनेज किया। फिर एहसास के जरिए लोगों की मदद की, हम गरीब कौम जेब में हाथ डालकर फिर भी गरीबों की एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए सबको दिए गए। फिर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं ये कहता हूं कि हजारों मरतबा रोजाना इन्होंने ये निशानदेही की कि हाथ धो, फासला रखो, तो मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा उलमा का भी करना चाहता हूं। हमने अपनी मस्जिद खुली रखी, लोगों ने एतराज किया कि तुम ही मुसलमान रह गए हो, सारी दुनिया में मस्जिद बंद है। हमने अल्लाह से ताल्लुक कायम रखा, और मैं समझता हूं जो कामयाबी की बुनियाद है वो इन सारी चीजों पर मुनहसर है, अल्लाह से भी ताल्लुक कायम रखा। तो ये थी 5 चीजें जो आपकी ताकत है, लिहाजा अपने आप को कमजोर नहीं समझो। मगर 3 चीजों का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो आपने हासिल करनी है। पहली, फेक न्यूज। दुनिया तबाह हुई है इस बुनियाद पर, और अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई अहम खबर लाए तो उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम जज्बात से मغلوب होकर किसी कौम पर जा चढ़ो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। ये टोटली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको याद है, ये फेक न्यूज। कौमों को तब गुमराह किया गया और कौमों ने कौमों पर हमला किया। अगर अल्लाह ताला का इस बात से, मैं समझता हूं जो मुसलमान नहीं है उसको ईमान लाना पड़ेगा, ये टोटली इस वाकये की निशानदेही करती है ये अल्लाह की आयत के, तस्दीक कर लो वरना कौम, किसी कौम पर तुम जड़ दौड़ोगे, तबाही होगी और फिर तुम पछताओगे, टोटली इस बात के ऊपर है। तो मैं कहता हूं फेक न्यूज का हमला दुनिया भर में इस वक्त बड़ा खराब हमला है, इलेक्शंस के ऊपर असरअंदाज करता है। लिहाजा पाकिस्तानी कौम अगर ये चीज, इसमें पैसे नहीं खर्च होंगे, अगर ये चीज सीख ले कि फेक न्यूज को तराजू में तोल कर एहतियात करे, तो ये एक ताकत आपकी बढ़ेगी, बहुत जरूरी, अगले जमाने के लिए इनके हथियार बहुत मजबूत हो गए, अगले जमाने के लिए जरूरत है। दूसरी बात बड़ी अहम जिसका ताल्लुक हम सबसे है, वो है गीबत। और गीबत होती क्या है चेयरमैन साहब? गीबत बड़ी सिंपल सी बात यह है कि
कि एक वाकया मैंने देखा मिसाल के तौर पर, जिसमें औरत कभी कोई किरदार हो, वो मैंने अपनी माँ के पास आकर सुनाया कि भाई ये हुआ, और जितनी एहतियात के साथ मैं अपनी माँ को ये बात सुनाऊंगा, उसके दो घंटे बाद मैं अपने दोस्तों की महफिल में बैठूं और जो मैं वहाँ गुफ्तगू करूं उसके चंद जुमले मेरी माँ को सुना दिए जाएं। वो माहौल मुख्तलिफ, वो हालात मुख्तलिफ, यह है गीबत। और मेरी माँ वो जब गुफ्तगू मेरी सुनेगी वो कहेगी ये तो मैंने ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा किया। तो लिहाजा गीबत बड़ी मोहलिक है, कौम को तबाह करती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ऐसा है कि तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? तो वी हैव टू बी केयरफुल। तो मैंने आपसे कहा कि फेक न्यूज और गीबत, इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता, सिर्फ अपने अखलाक की तामीर आप करते हैं। और गीबत के बाद मैं समझता हूं कि तरबियत का के ऊपर आप लोगों ने बड़ी गुफ्तगू की पिछले चंद माह में, बड़ी ज़रूरी कैफियत है। लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तरबियत में घर है, ख़ानदान है, इसकी अहमियत को कमज़ोर मत होने दीजिए। सारे मगरबी ममालिक के अंदर ये ख़ानदान कमज़ोर हुआ है। तरबियत ख़ानदान से शुरू होती है, पहला पिलर। दूसरा स्कूल है और यकसा तालीमी निसाब, और वहाँ पर तरबियत होगी तो दूसरा पिलर आपका मजबूत होगा। तीसरा मीडिया है। मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं है, ये मेरे घर के अंदर कई घंटे मेरे बच्चों के सामने जब मीडिया है तो इसकी जिम्मेदारी है कि कौम की तरबियत की बात करे, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं। और चौथे मिंबर ओ मेहराब, चौथे मिंबर ओ मेहराब के रियासत मदीना बनी थी मस्जिद नबवी से, वहां का जो पैगाम था वो दुनिया भर में गया और दुनिया भर पर गालिब हुआ। तो आज मैं समझता हूँ उलमा से मेरी अपील है कि कौम बनाने में मिंबर व मेहराब इस्लामी रियासत का एक बुनियादी सतून है, तो वहाँ से कौम की तरबियत भी होगी। तो ख्वातीनो हज़रात, मेंबरान पार्लिमान, मैं अपनी तकरीर में पाकिस्तान की पांच सलाहियतों का मैंने जिक्र किया, जिसमें आपकी जहानत, आपकी हमदर्दी का जज्बा, आपकी बहादुरी का मुजाहरा, आप में खैरात का जज्बा और आपकी तंजीम जो कोविड में आपने दिखाई, और हमदर्दी के साथ तंजीम, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो कायद आजम ने कहा था। तो और तीन चीज़ों की मैंने आपसे दरख्वास्त की, फेक न्यूज़ को समझना, गीबत से गुरेज करना और तरबियत। अब इन सब चीज़ों के अंदर अगर दयानतदार क़यादत की चाशनी मिलाई जाए तो मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा जिस्म, मेरा रुआ रुआ और मेरा ईमान पुकार पुकार कर ये कहता है कि हम देखेंगे एक चमकता दमकता उभरता हुआ मुस्कुराता हुआ पाकिस्तान नया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सबका अल्लाह हामी व नासिर हो।